think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely. मदन मोहन जी शर्मा जो आज हमारे बीच में 60 वर्षीय सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं, इनकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर साहब हमारे प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, उनकी पुत्रवधू, उनका बच्चा और उनकी बहन जी सबका आज हमारा विद्यालय परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अब हम बारी बारी से हमारे बीच में पंडित जी का बहुत अल्प समय रहा, वैसे बहुत लंबा समय रहा। पंडित जी हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर थे, इनका सांस्कृतिक प्रोग्राम इत्यादि वो हम सब बारी बारी से आपको बताएंगे कि पंडित जी से हमने क्या लिया है, क्या सीखा है, पंडित जी का व्यवहार कैसा था। अब मैं हमारे सबसे पहले हमारे बीच विराजमान श्री राजेश कुमार जी जो उपाचार्य हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आप पंडित जी की इस बधाई समारोह के कार्यक्रम पर दो शब्द कहकर हमें लाभान्वित करें। राजेश आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर साहब, समस्त आगंतुक महानुभाव एवं बधाई लेने वाले श्री मदन मोहन जी शर्मा वरिष्ठ अध्यापक, आज एक उनका विधाई समारोह रखा गया है यहाँ पर उनकी 60 वर्षीय सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में। मदन मोहन जी का यहाँ इस विद्यालय में अल्पकालिक समय रहा है, लेकिन इस अल्पकालिक समय में उन्होंने एक ऐसी छवि है छोड़ के जाएंगे वो जो हमेशा हमको प्रेरणा और यादगार रहेगी। मदन मोहन जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, हमारे बच्चों को बहुत आगे तक पहुँचाया। इनके सांस्कृतिक प्रोग्राम के प्रभाव की वजह से हमारे बच्चे राज्य स्तर तक गए प्रोग्राम में। इन्होंने भामाशाह के रूप में बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई है, इन्होंने विद्यालय विकास में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। पढ़ाने के मामले में देखी जाए तो इनके रिजल्ट 100% रहे हैं और इनको कोई भी जिम्मेदारी इस विद्यालय के दी है उसको 100% पूर्णतः देकर इन्होंने उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। इतना केवल परम सम्माननीय प्रधानाचार्य, विदाई लेने वाले मेरे पितातुल्य वरिष्ठ साथी मदन मोहन शर्मा जी, पंडित जी के साथ आए सभी आगंतुक महोदय, डॉक्टर सर और मेरे स्टाफ साथी,
पंडित जी का राजे जी ने बताया कि विद्यालय में अल्पकाल रहा है, लेकिन अल्पकाल में ही पंडित जी ने विद्यालय में एक छवि छोड़ी है। और पंडित जी से हमने, क्योंकि उम्र में बहुत छोटे हैं पिता तुल्य, पर बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं और पंडित जी से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। एक नई चीज़ मैं कहूँगा कि पंडित जी ज्योतिष के जानकार भी है, तो हमने उस सिलसिले में कभी इनसे भी सलाह मशवरा या सलाह लिए है हमने अपने वो भी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडित जी का आगे का जो जीवन है वो अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवारजनों का साथ मिले, और हमारे साथ अब जो सामीप्य है वो सामीप्य सानिध्य हमें स्कूल से चले जाने के बाद भी मिले। धन्यवाद। राजमान सभी सम्मानित पीओ साहब मदन मोहन जी और उनके फैमिली मेंबर सुखचिंतक। मदन मोहन जी के साथ मुझे रहने का 2 साल का मौका मिला। इस 2 साल में मैंने ये देखा कि मैं अधीनस्थ विद्यालय का संस्था प्रधान हूँ और ये पीओ विद्यालय के है, लेकिन मैंने इनका एक जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व के रूप में या विद्यालय को संचालक के रूप में पीओ साहब ने भी इनको बच्चों का एक संरक्षक के रूप में इनको नियुक्त कर रखा था। बच्चों को अच्छी सलाह देना, बच्चों को समझाना और बच्चों के व्यवहार को, उनके कार्य को देखने की जिम्मेदारी एक विश्वास के साथ श्री मदन मोहन जी शर्मा ने जो अपना दायित्व निभाया है उसको मैंने देखा और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को किया। एक विद्यालय के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में बच्चों को संभाला और जो भी छोटी सी बात, कोई भी समस्या हो उसको भी इन्होंने हर किसी की समस्या को अच्छे ढंग से ध्यान दिया, उस पर कार्रवाई की और विद्यालय संचालन में बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमें हमेशा अपनापन का भाव श्री मदन मोहन जी द्वारा मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं इसके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर इसको स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय से विदा लेने जा रहे श्री मदन मोहन जी और उनके साथ में आने वाले उनके परिवारजनों। मदन मोहन जी का जो कार्यकाल है इस विद्यालय में लगभग 2 वर्ष का हुआ है। इससे पूर्व भी मदन मोहन जी मेरे साथ में खेड़ावाड़ रामगढ़ विद्यालय में कार्यरत थे। मदन मोहन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, सहज है, सरल है और जो भी जिम्मेदारियां इनको विद्यालय परिवार द्वारा दी गई इन्होंने उनका बखूबी उनको निभाया। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आगे इनका जो जीवन है वो सुखी हो, निरोगी हो और दीर्घायु हो। आदरणीय सर प्रिंसिपल सर, मदन मोहन जी सर और मदन मोहन जी सर के साथ आए सभी मतलब आगंतुकों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच मदन मोहन जी का सेवानिवृत्ति का दिन है। मदन मोहन जी का हमारे बीच बहुत अल्पकाल रहा है, मैं भी लगभग अल्पकाल में इनके साथ साथ ही आया इस विद्यालय में, लेकिन इनका जो स्कूल के प्रति जो लगाव था, बच्चों के प्रति जो इन्होंने अच्छे से उनको मेहनत करवाई, बच्चों का अच्छा रिजल्ट दिया, यहाँ तक कि मतलब इनके सब्जेक्ट में 100% इन्होंने अपना रिजल्ट रखा। खासकर इनकी जो मेहनत हमारे विद्यालय में लाई बच्चों के प्रति, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो इनकी मेहनत से मतलब हमारे बच्चे राज्य स्तरीय पर मतलब प्रथम विजेता बन करके आए,
आगे मदन मोहन जी के बारे में यही है कि मतलब इनका जीवन स्वस्थ निरोगी और दीर्घायु हो, इसी के साथ में इसी पर सर डॉक्टर साहब मदन मोहन जी सर और उनके साथ पधारे हुए उनके परिवारजन स्टाफ साथियों, जैसा कि आज उनका 60 वर्षीय सेवानिवृत्ति विदाई समारोह रखा गया है और उनका आगमन इस विद्यालय में हमारे साथ ही रहा था और हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। उनका अनुभव बहुत अच्छा है, जीवन का अनुभव काफ़ी अच्छा है। ये हमेशा अच्छे मार्गदर्शन देते रहते हैं, जब भी इनसे कोई सलाह दी जाती है तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और जीवन के बहुत से क्षेत्रों में इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। विद्यालय के प्रति इनका समर्पण और इनका सेवा भाव बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य और सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये प्रिंसिपल साहब, समस्त स्टाफ और आज के हीरो हमारे सर मदन मोहन जी सर, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत त्याग किया है, बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देके और उनको संस्कार शिक्षा भी दी है, तो इस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि मदन मोहन जी सर की हमें इस स्टाफ में कमी खलेगी और इनके स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए मैं कामना करना चाहूँगा। ईश्वर से धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर साहब, सेवानिवृत्त होने जा रहे श्री मदन मोहन जी एवं सभी आगत महोदय स्टाफ साथियों, जैसा कि सब ने बताया है, श्री मदन मोहन जी का हमारे बीच में एक अल्प समय रहा है, जिसके बीच हमने इनके साथ रह करके बहुत अच्छा अनुभव किया है। सबसे बड़ी खूबी मैंने इनके अंदर ये देखी कि ये हमेशा हंसमुख रहते थे, कोई भी ऐसा टेंशन दिमाग में नहीं रखते थे, कहीं से भी आते और हंसते हुए आकर के सबसे मिलते थे। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनका आगे का जीवन भी सुखीमय हो, दीर्घायु हो और हमेशा इसी तरह से हंसमुख रहें। इसके साथ ही मैं एक क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे इस काल में आपके साथ जो हमने समय बिताया है, इसमें हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें और उसको इसी विद्यालय प्रांगण में छोड़ जाएं। बस मैं अपना परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, हमसे विदा लेने वाले जो 60 साल की राजकीय सेवा पूर्ण करने पर एक हमारी सरकारी व्यवस्था है, उसके तहत विदा लेने वाले श्री मदन मोहन जी एवं समस्त पधारे हुए हमारे आगंतुक डॉक्टर साहब, मदन मोहन जी सर करीब 2 साल हुए हैं और 2 साल में ही हमको इतना अनुभव मिला है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जब प्रार्थना सत्र हमारा चलता था, हम इंतज़ार करते थे पंडित जी नहीं आए, अभी पंडित जी नहीं आए रुको, लेकिन तुरंत टाइम पर आ जाते थे और प्रार्थना सत्र को इतना मनो में इतना सुंदर, इतना जो मन मोहित हो जाते थे हमारा प्रार्थना सत्र को, कोई आके यहाँ देखता था तो ये पंडित जी की बदौलत थी कि हमारे प्रार्थना सत्र। उसके बाद में हम युवा महोत्सव में लेके गए थे बच्चों को, युवा महोत्सव में जिला स्तर पर प्रथम, फिर राज्य स्तर पर भी हमारे बच्चे पहुँचे थे, तो हमसे पूछते थे वहाँ तैयारी किसने कराई है। मैंने कहा एक मदन मोहन जी पंडित हैं हमारे साथ, तो हमको वो तैयारी कराते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी तैयारी हर क्षेत्र में। और हम कभी कोई काम पड़ जाता था तो
हम थोड़े घबराने लगते तो हमको भी उत्साहित करने थे, मैं हूँ ना क्या दिक्कत है, पंडित जी हर उसमें हमको उत्साह वर्धन करते रहते थे, लेकिन अब हमसे विदा होके जा रहे हैं। हम यही कहते हैं पंडित जी का जो आगे का जीवन है, जो जीवन की नई शुरुआत है, वो सुख समृद्धि एवं आनंदमय हो, और पंडित जी के बिना इनके नाम में ही मदन मोहन जो दो चार बार ईश्वर का नाम आ जाता था जो हम वैसे ही वो जाते थे वो हम 31 तारीख के बाद में वो थोड़ा हमको बहुत दुख होगा, अनुभव होगा, लेकिन सरकारी नियम है इसके तहत बदल लेंगे। आगे का जीवन इसी तरह हंसमुख प्रसन्न बना रहे पंडित जी का, और हमारे विद्यालय पे इसी तरह हम कभी काम पड़े इसी तरह मेहरबान बनी रहे इन्हीं शब्दों के साथ। पधारे हुए आगंतुक और स्टाफ साथियों, मेरी जॉइनिंग अक्टूबर में हुई है तो मदन मोहन जी सर से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जब जब इनसे कोई भी सलाह ली है तो बहुत ही सरल स्वभाव के साथ इन्होंने उस के बारे में बताया है, और इन्होंने इनसे मैंने यही सीखा है कि कोई भी नौकरी कोई भी राज के सेवा को करो बिल्कुल सरल स्वभाव के साथ करो, बस मैं इतना ही। समस्त अतिथिगण इस विदाई प्रोग्राम की मदन मोहन जी का जो कार्यक्रम है विदाई सब वैसे है ही गलत, पर इनका सबसे अच्छी बात है इनका पूर्णता बनता परिवार अपने सामने है, और हम तो ये चाहते हैं ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इनका परिवार और फूले फले और आगे। थोड़ी हमें क्षति यही हुई है पंडित जी जाने से कि कभी अगर हमें हस्तरेखा जैसी समस्या आ जाती है तो उसके लिए दो चीज़ें बढ़ना पड़े, जो स्कूल में जो समस्या सॉल्व हो जाती है। महोदय उप प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षक गण, जैसा कि हम आप सबको विदित है कि आज आपके विद्यालय में साथी रहे श्री मदन मोहन जी अपनी अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर आज सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, जिसके लिए आपने ये विदाई प्रोग्राम संपन्न किया है। सबसे पहले मैं आपके विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मदन मोहन जी के सेवानिवृत्ति प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। जैसा कि आप सब लोग बता रहे थे कि मदन मोहन जी का कार्यकाल आप लोगों के बीच में बहुत कम रहा, तो परसेंटेज के हिसाब से मेरे साथ तो 4-5 दिन ही रहे, तो उन 4-5 दिनों में मैंने भी पंडित जी को अपनी हस्तरेखाएँ दिखाई, और मैं उम्मीद करूँगा इन्होंने जो जो बताया वो बिल्कुल सत्य निकले, जिससे मैं इनको हमेशा याद करता रहूँ। और इसी के साथ जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी सरकारी प्रक्रियाओं के तहत आयु 60 वर्ष की होने पर सभी अपनी राजकीय सेवाओं से मुक्ति लेते हैं, तो आज इनके लिए भी खुशी के दिन तो है ही, लेकिन साथ में दुख का दिन भी है क्योंकि आप सब लोगों के बीच में काफ़ी लंबे समय से रहे। अब मैं शर्मा जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद इनकी स्वास्थ्य सही रहे, और जो समय अपने परिवार को राजकीय सेवाओं के कारण नहीं दे पाए थे, जहाँ आपको कमी रही, मैं यही कहना चाहूँगा कि उन कमियों को भी आप सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण करें। इन्हीं के साथ अपने सब और स्टाफ साथियों, वैसे ये एक देखा जाए तो खूबसूरत पल है पंडित जी की अविस्मरणीय रचनाओं का। पंडित जी के जीवन काल में जितने यश इनको सौभाग्य इनके उत्तरोत्तर जो वृद्धि हुई है उसमें ये काल भी इनके साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। पंडित जी जब से यहाँ इस विद्यालय में आए थे तो पंडित जी का सबसे हमारे स्टाफ में जितने भी साथी हैं 30 लोग हैं और उनमें से कुछ चले भी गए, तो पंडित जी का स्नेह सबसे बरकरार रहा, सबसे बराबर रहा, और पंडित जी ने ये सोचा कि मेरा किसी एक व्यक्ति से स्नेह कहीं कम ना हो जाए। तो पंडित जी ने क्या सबको अपना अपने हृदय से सबका जो जितने भी स्टाफ साथी उन्होंने से जो भी आग्रह किया, हमने समय समय पर पंडित जी को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी किया, पंडित जी ने उसकी भरपाई भी हमारे साथ साथ उन्होंने माना हमारी बात को और सारी बातें उन्होंने स्वीकार की। हम तो यही कहना चाहते हैं कि पंडित जी की जो जीवन की जो यात्रा है वो सुखद हो, मंगलकारी हो, सफल हो, आगे भविष्य में भी पंडित जी जो भी इनका अभी रिटायरमेंट सारे रूप से रिटायरमेंट नहीं हुए पंडित जी अभी, ये तो क्या है सेवानिवृत्ति के हिसाब से रिटायरमेंट है। पंडित जी में आज भी फुर्ती हमसे भी अच्छी है, हर कार्यों में ये अच्छे हैं। मैं तो इतना ही कह के पंडित जी के बारे में, और मैं यही कहूँगा कि पंडित जी को भगवान राधे रानी कृपा से
और पंडित जी अपने जीवन काल में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। धन्यवाद। तो का कोई लड़ाई झगड़ा पंडित जी कुछ कहते पंडित जी हमारे इतने भोले थे पंडित जी कि उस भोलेपन की हम आज यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं। वास्तव में ही पंडित जी हमारे बहुत ही मार्गदर्शक थे, हमें समय समय पर अस्त्रेखाओं से वास्तव में अवगत कराते थे। और पंडित जी मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि इस समय बीच में मेरे से कोई गलती हो गई हो और स्टाफ साथी हो चुके, हम आपसे शरणों में सीध झुका कर आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब मैं इस बीच में हमारे शर्मा जी को ही मैं आमंत्रित करूँगा, बाद में हमारे चीफ गेस्ट श्री गंगाराम जी मीना जो प्रधानाचार्य हैं उनका उद्बोधन होगा, इसके बाद में हमारा स्वागत समारोह होगा। तो इससे पहले मैं पंडित जी को आमंत्रित करता हूँ कि पंडित जी आप भी हमें आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहकर अंदर करें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानीय डॉक्टर साहब, हमारे उप प्रधानाचार्य दोनों हितेश जी राजेश जी, गर्ल्स स्कूल से पधारे प्रधानाध्यापक महोदय जी, मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार और मेरे सहृदय स्नेही स्टाफ बंधु, आज मेरा आप लोगों ने विदाई समारोह रखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की कि इतना दिव्य इतना भव्य समारोह आप मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आपने मेरा इस प्रकार से विदाई समारोह संपन्न कर रहे हो, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं 20 जनवरी 2022 को यहाँ पर मैंने पदार्पण किया, अल्प समय में आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला। मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग की उस दिन साहब ने मुझे रीडिंग कैंपन का चार्ज दिया, मुझे थोड़ा अटपटा लगा लेकिन साहब के सानिध्य में मैंने उसको सफलतापूर्वक उसमें सफलता हासिल की। साहब के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला, जब भी कोई समस्या आती थी मैं बेबाक साहब से उसका निराकरण करवाता, और स्टाफ साथियों का तो कहना ही क्या, इन्होंने जब भी मैंने कोई बात का समाधान निकालना चाहा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाहें दी, मैं इनका जिंदगी भर आभारी रहूँगा। बच्चों के लिए मैंने 101% देने की कोशिश की और उसका परिणाम ये है कि मेरा इस विद्यालय में 100% रिजल्ट रहा, और ईश्वर की कृपा से मैं वरिष्ठ अध्यापक सन 2016 में आया था, अब तक मेरा बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% ही रहा है, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे वो 8वीं बोर्ड का हो। मैं 5 महीने के लिए खूंटखेड़ा सीनियर सेकेंडरी बयाना ब्लॉक में गया, सौभाग्य से वहाँ मुझे सीनियर क्लास पढ़ाने को मिली तो वहाँ पर भी मेरा 100% रिजल्ट रहा। इस बार भी ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि मेरा इस विद्यालय में 100% रिजल्ट रहे। आप लोगों ने मुझे जो आदर सम्मान दिया है इससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, और मैं क्या इससे आगे कहूँ। साहब यदि मुझे आदेश देंगे, जब तक संस्कृत टीचर की पोस्टिंग यहाँ पर नहीं होती, रिक्त पद भरम नहीं आता है, तब तक यदि साहब आदेश देंगे कि मधुमन जी आपको बच्चों को पढ़ाना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बच्चों का कोर्स करवाने के लिए यह विद्यालय में अवश्य आऊँगा। और मैं क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ शब्द बनते नहीं पड़ रहे हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ यदि इस अल्प समय में मेरे से यदि कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गए हो, गुस्से में अक्सर गुस्सा मैं करता नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे किए हुए शब्दों को आज ही यहाँ पर उसका निष्पादन कर दें, उनका त्याग कर दें और मुझे माफ़ कर दें। बस मैं यही कह करके मैं अपने स्थान पर हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। प्रधानाचार्य जी महोदय जी और मंच पर आसीन सभी साथीगण,
और हमारे विदाई ले रहे उनके परिवारजन। आपके बारे में जितना भी कहा जाए उतना भी कम है। आप सहज स्वभाव के धनी, सरल मृदुल स्वभावी, कभी भी किसी को ऊंची आवाज़ में आपने जवाब नहीं दिया। आपसे सीखने को वास्तव में इस विद्यालय में मैं भी रहा हूँ आपके सानिध्य में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, उनकी जो समस्या है उनको किस तरीके से हमको सुनना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास में कुछ उद्दंडी बालक भी हमको मिल जाते हैं, शरारती बालक भी हमको मिल जाते हैं, तो आपने उनको अपने अनुभव से किस तरीके से उनको हैंडल किया, वो भी हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए सीखने की बात। क्योंकि हम जोश में आकर के कभी कभार उनको ज़ोर से थप्पड़ मार दें या चिल्ला जाएं या कुछ ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं हमारे मुख से जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। लेकिन आपने कभी भी बच्चों को, जब मैं भी देखता था कि बच्चे कितनी भी उद्दंड कर लें, लेकिन आपका जो सरल स्वभाव था उसमें कभी उग्रता नहीं आई। ये सबसे बड़े आपके इस चरित्र की विशेषता है। कभी भी आपने जो आपसे छोटे साथी हैं, हम हैं, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग करके या तू तड़ाके से जो भाषा होती है, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं आपके बच्चे के समान हैं, लेकिन वो शब्द हमको अब कभी भी आपके मुख बाजरे से सुनने को नहीं मिले। वास्तव में आप अनुपम प्रतिभा के धनी हैं। और जिस तरीके से आपका इस पूरी सेवा काल में, निश्चित रूप से जब सेवा काल अच्छा होता है तभी सेवानिवृत्ति में आनंद की अनुभूति होती है, और आपने अपना पूरा समय जो एजुकेशन है इसमें दिया है, और ये हमारा जो कर्म है सबसे बड़ा कर्म है, सभी क्षेत्रों से बड़ा कर्म है। बहुत से सोचते हैं कि हम तो एक टीचर हैं, हमको क्या मिला। अरे हम लोगों को भी तो सब कुछ मिला है, हमने सब कुछ दिया है और उसका ही प्रतिफल आज हमको मिलता है। जब हम अपने बच्चों में देखते हैं तो उसकी जो परिणाम है वो साफ झलकते हैं, या तो वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुँच जाते हैं। तो वो आशीष किसका है, हमारे बच्चों का ही है। हमने उनको पढ़ाया, मन से पढ़ाया, तन से पढ़ाया, धन से पढ़ाया, कुछ हम वैसे भी सहायता करते हैं बच्चों की, तो वो ही प्रेरणा, वो उनकी दुआएं माँ बाप की, वो ही बन करके हमको आगे बढ़ने की प्रेरित करती हैं, और वो प्रतिफल हमको अपने बच्चों में दिखाई देता है। तो जिस तरीके से आपने ये पूरा सेवा काल 60 वर्ष आपने व्यतीत कर लिए, जिसमें उसमें लगभग आपने 33-34 साल इस सेवा में दिए होंगे, बहुत अनुभव है आप। लेकिन जब आप इस विद्यालय को छोड़ोगे, इस बगिया को छोड़ोगे जिसमें आपकी बहुत सारी यादें समाई हुई हैं, तब निश्चित रूप से जब हम अठाले होते हैं तो हमको एक धक्का सा लगता है, क्योंकि एक कर्मचारी की पूरी दिनचर्या पूरी सेट रहती है। सुबह जागना, फिर थोड़े घूमने जाना, फिर अपने नादों के विद्यालय आना, वो एक फिक्स दिनचर्या है, और वो आपके चेहरे पे दिखाई भी दे रही है, चमक भी है। तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ से जाओगे तो मैं ईश्वर से छोटा हूँ आपसे बहुत, तो यही कामना करता हूँ कि आप निरस होकर नहीं बैठे, आप जो आपके जो अनुभव है उसको आप शेयर करते रहें, आप भगवान का नाम भी लें और आप अन्य जगह अपने इस दिमाग का सदुपयोग करें। क्योंकि हम अठाले बैठ जाएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लग जाएंगे। आगामी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्थान पर माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित कहीं तरह मदन मन और उनकी अवदान में, और दाई तरफ उनके छोटे भाई और डॉक्टर साहब, और मेरे सामने विराजमान उनके परिवारजन और मेरे समस्त स्टाफ मेंबर, मैं आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। विदाई समारोह या विदाई कार्यक्रम या विदाई भी एक ऐसी चीज़ शब्द बनाया गया है
फिर चाहे अपन इसी तरीका की विदाई करें। ये 60 साल का जीवन काल पूरा करने के बाद एक विदाई है, एक बेटी भी अपनी परिवार को छोड़ के जब वो भी एक विदाई होती है, तो विदाई के समय सुख और दुख दोनों की घड़ी होती है। सुख और दुख दोनों की घड़ी पैदा होती है। सुख तो इसलिए होता है कि चलो अपन थोड़ा सा अपने जो कर्तव्य हैं और उनसे दूर होकर अपने समाज के साथ या परिवार के साथ हमें समय व्यतीत होता है। दुख इस बात का होता है कि हमारे साथ से एक प्रतिभावान जो मूर्ति होती है और वो यहाँ से जब विदा होकर जाती है तो उसका बड़ा दुख। प्रतिभावान शब्द मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब मदन मोहन जी यहाँ पर आए थे तो मैंने कोई इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया कि कौन यहाँ से जाएगा कौन यहाँ से रहेगा। तुरंत के सर मैं यहाँ आ रहा हूँ और मुझे ज्वाइन करके ठीक है ज्वाइन करो। इनके स्थान पर इन्हीं के गांव के हरिचरण जी निवासी थे, इसी पोस्ट पे थे वो। उन्होंने भी मुझसे काफ़ी बातें करी थी जैसा वो आपने ये गलत कर लिया है मुझे ऐसा हुआ है भैया देखो ये तो सरकारी नहीं है अपन का एक जगह तो स्थाई जगह तो है नहीं है। आज मेरा यहाँ जब तक अन्नजन लिख रहा है मेरी किस्मत में यहाँ तक लिख रहा है यहाँ रह रहा हूँ। जिस दिन मेरा लिफाफा आ जाएगा उस दिन मुझे भी ये जगह छोड़नी है। हर आदमी को जगह छोड़नी होती है, एक जगह स्थाई कोई नहीं होता। तो उसी के आधार पर हालांकि वो थोड़ा बहुत नाराज हुए थे, नाराज ऐसे नहीं थे कि वो अंदर से नाराज हुए पर नाराज भी जाहिर तो की थी। फिर भी मैंने मदन मोहन जी को ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवाने के बाद शुरुआत में मैंने इस विद्यालय में क्योंकि हरिचरण जी की एक खासियत थी कि प्रार्थना सभा को वो भी एक हारमोनियम से करवाते थे। अब मैं ये सोचता था कि यार हरिचरण जी चले गए अब हमारी प्रार्थना सभा में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। पर एक दिन मैं इनसे पूछ रहा था मैं कि यार पंडित जी अपन के ऐसे से मामला है ये सब आप क्यों चिंता करते हैं, ये काम मैं करूँ। तो इन्होंने वास्तव में वो बखूबी से वो कार्य किया। मैं काफ़ी बार इनसे निवेदन भी कर चुका था कि यार मदन मोहन जी आप चले जाओगे पर यार विद्या किसी और को सिखा देगा, पर वो शायद या तो हमें वो बात नहीं थी कि हम उस विद्या को देना चाहते हैं या फिर देने वाले में तो शायद थी पर हमारे आदमी या हमारे स्टाफ साथी में से कोई ऐसा है कोई कि स्वेच्छा से ये इच्छा नहीं हुई कि मैं इस विद्या को सीखूं। अब यह कमी तो हमारे पास रहेगी। अब देखेंगे देखो क्योंकि आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जरूरी होती है। जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो कोई कोई आविष्कार भी पैदा करेगी, कोई कोई होगा और नहीं होगा तो हम मदन मोहन जी को भी इन्होंने कह भी दिया कि जब भी आवश्यकता होगी तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा और आपकी विद्याओं के हम तो ये चाहते हैं कि कौन था वो एक ज़्यादा पंडित जी भी जानते होंगे कि कोई ऐसा ऋषि था जिसने 18 गुरु बनाए उसका नाम तो मुझे याद नहीं है और 18 गुरुओं में हम भी आपको एक गुरु मानते हैं क्योंकि जीवन का हर अनुभव ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। जीवन का हर अनुभव ही शिक्षा कहलाती है। जो हमको नई नए ज्ञान सिखाता है वही क्या है, विज्ञान है। जो नया नया ज्ञान सिखाता है वही विज्ञान है और उस विज्ञान के माध्यम से अपन अपनी तरक्की करते हैं। अब इनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, हारमोनियम सांस्कृतिक प्रोग्राम कितना अच्छा किया। जब भी मैं कहता हूँ सर मदन मोहन जी 2 दिन का समय है पर अपन को बच्चे तैयार करने हैं तो वास्तव में 2 दिन में तैयार होते थे बच्चे। एनुअल फंक्शन चाहे कोई भी ऐसा ग्रामीण ओलंपिक खेल है, ग्रामीण ओलंपिक खेल में आदेश आया था कि छुट्टियों के दिन आपको
विद्यालय आना है और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है। तो ये वहाँ से गंगापुर से 32 किलोमीटर चल के यहाँ आए, समस्त स्टाफ भी आया और वास्तव में इन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए। और ये ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि युवा महोत्सव में भी जहाँ इन्होंने माधवपुर से राज्य स्तर पर जो टीमें भेजी उसमें हमारे खड़ी पर हमारे विद्यालय का भी नाम हुआ। इसके लिए मैं पंडित जी का बहुत ही तहे दिल से आभारी रहूँगा। और आगे हमारे क्या लेडी टीचर की बहुत बड़ी समस्या थी शुरू से और आज भी है, वो बरकरार वो समस्या। और हमारे विद्यालय में छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या मतलब 50% से ज़्यादा लड़कियां हैं। अब हमने सोची ऐसा कौन आदमी है जो हमारी छात्राओं की थोड़ी सी बहुत देखभाल कर सके या उनकी जिम्मेदारी। तो मैंने एक दिन पंडित जी से कहा, मैंने कि यार आप हमारे बुजुर्ग आदमी हो तो आपके जो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो भी चार्ज है वो मैंने इनको ऐसा विचार करके कि आप इनको ये चार्ज आप ले, तो इन्होंने सियार्स से लिया। तो आज तक मुझे उस बात की शिकायत भी नहीं हुई क्योंकि ये चीज़ ऐसी है डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद चाहे वो अपनी टैबलेट हो चाहे नैपकिन हो या कोई भी और चीज़ हो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुरंत उनको साला दर्पण पोर्टल पर फीड भी करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें मुझे समय पर मिली। इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। सब्जेक्ट की रही बात संस्कृत विषय में, वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था क्योंकि कभी कभी मेरी इनसे बात होती थी यार संस्कृत में कैसे प्रश्न आते हैं क्योंकि संस्कृत में उसमें कभी शुद्ध पढ़ना नहीं आता। तो संस्कृत में सब एक तो घड़ी का कारण समय का प्रश्न आता है, कुछ ऐसे बताया जो मेरे के इसमें आने तो मैं कह रहा कि अपन संस्कृत विषय में 100 में से 100 नंबर दिलवा सकते हैं क्योंकि संस्कृत में आराम से 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। पर वो चीज़ तो चलो कोई बात नहीं क्योंकि इन चीज़ों के लिए पात्र शिक्षा लेने वाला यानी पात्र शिष्य हो और आज्ञाकारी शिष्य हो और थोड़ी सी बातों का मानने वाला हो और थोड़े से अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चलता हो तो वास्तव में वो 100 में से 100 नंबर ला सकता है। पर कुछ हमारे बालक के बालक तो ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं, उन बालकों की ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार इतनी आई क्यों नहीं है तो उनके साथ उनका माहौल नहीं मिल पाया परिवार का या घर का या इस गांव का। तो 100 में से 100 नहीं फिर भी अपने आल थिरो संस्कृत में ज़्यादातर बच्चे लगभग 70% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न की श्रेणी में आए थे। तो इसके लिए भी मैं आपका आभारी और आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे आप एक जैसे ही अभी 2 महीने भी पाते हैं अपनी जनवरी में जो एनुअल फंक्शन हुआ था वार्षिकोत्सव हुआ था, वार्षिकोत्सव से पहले एक दिन मैं ऑफिस में सीट पर बैठा था तो जाके मेरी कोई बात नहीं थी हिंसा की गई पर इन्होंने आगे से ही जाके पता नहीं ईश्वर भी और इनका लगाव भी हो गया विद्यालय से कैसे भी जो हम लोग इन्होंने जाके मुझसे कहा सर मैं विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा भी थोड़ा सा मैं उनकी क्या करना चाहते हो क्या सेवा निवृत्ति पर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने देख लो आपकी इच्छा है जैसे भी। तो इन्होंने जब अपना एनुअल फंक्शन हुआ था तो उस टाइम 31,000 रुपये की घोषणा की और साथ में हमारे ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को डोनेट भी किए। इसके लिए भी मैं मेरी ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। एक आपकी खासियत ये थी कभी कभार क्योंकि ये सीट एक ऐसी होती है संस्था प्रधान की उस पर कोई भी व्यक्ति हो चाहे आप बैठोगे उस सीट पर या मैं बैठूँगा तो कभी कभार क्या आदमी झुंझला जाता है कोई न कोई माइंड घूम जाता है क्योंकि उसको परिवार चलाना होता है और परिवार चलाने में परिवार में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं सभी तरह के आप 5 भाई होते हैं 5ों बराबर के नहीं होते और 5ों ही मतलब कर्मठ नहीं होते कोई अपना भाई निकम्मा भी हो जाता है तो अपना जो पिताजी होते हैं निकम्मे वो बालक से वो कहता नहीं है और जो ज़्यादा काम करता नहीं उससे ज़्यादा कही जाती है। तो उसी तरीक़ा से कभी कभी हमने
ज़्यादा इनसे भी काम लिया है, क्योंकि ये मैं मानता था कि मदन मोहन जी से जब भी कुछ काम की कहता है, इनके डिक्शनरी में लो शब्द नहीं था। चाहे वो काम लेट देरी से हो सकता है, पर वो काम मतलब उस काम के लिए नो शब्द नहीं था। इस बात से मैं इतना खुश था, इस बात से इतना प्रभावित था, जो मैं अंदर आत्मा से जानता हूँ कि मैं कितना इनको चाहता हूँ। इस बात के लिए भी मैं आपको पुनः एक बार तय दिल से आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद में जब भी कोई भी मौका मिलता, एक बार की बात है, थोड़ा दिमाग से निकल रही है मेरी बात, चलो कोई बात नहीं, पर इतना मतलब खासियत और इतना ये होते हुए, क्योंकि ये तो एक सरकारी सिस्टम है, हर व्यक्ति जब 60 वर्ष की उम्र पर पहुंच जाता है तो उसको क्या होना है, सेवानिवृत्त होना है, रिटायरमेंट होना है, हमको भी होना है, आपको भी होना है। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि फिक्स इस जगह पर बैठा रहेगा, पर इस 60 वर्ष की अवधि में आज के समय में, आज का जो समय है, जो डिजिटल समय है, और इस डिजिटल समय में जो अपनी सर्विस पूर्ण रूप से बेदाग होकर, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगे, किसी प्रकार की कोई वो नहीं हो, और बेदाग होकर अगर वो 60 वर्ष को पूरी कर लेता, तो ये मैं ये मानता हूँ कि उस व्यक्ति का सबसे सफल जीवन होगा। क्यों, कहीं कहीं आप सुनते रहते होंगे कि आज फलानी जगह ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये, कोई को 16 सीसी की, कोई को 17 सीसी की, ऐसे नोटिस बहुत आते रहते हैं। कारण ये होता है कि अपन डिजिटल में इतना जानते नहीं, कहीं कहीं अपनी कमी रह जाती है, तो कमी जब रह जाती है तो अपन को कोई कोई दिक्कत आ जाती है। तो ये भी मैं इनका सौभाग्य मानता हूँ और बड़प्पन भी मानता हूँ और ईश्वर की कृपा भी मानता हूँ कि आपने इस 60 साल की उम्र में बेदार आपकी सर्विस जो की है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद और देता हूँ। अंत में मैं आपको आपसे ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, आप में जितनी भी खासियत है, जितनी भी खूबियाँ हैं, उनको आप परिवार वालों को, क्योंकि अपन भी एक सब परिवार है और अपन सब जानते हैं, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ और अपने समाज के साथ, अपने गांव के साथ एक दीर्घायु के साथ जीवन व्यतीत करें, और जब भी आपकी आवश्यकता पड़े, आप बता रहे थे कि जब संस्कृत की पोस्ट यदि खाली रहती है, तो मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि जो यदि हमारी पोस्ट खाली रहती है तो मैं आपका यहाँ से वो भी भेजूँगा प्रोसीडर, जो आपको 65 वर्ष तक की सेवा यहाँ करवा सकता है, 65 वर्ष तक की सेवा आपको आपका मैं प्रोसीडिंग भेजूँगा, आप निश्चित हो। और जब पोस्ट ही फुल हो जाएगी उस दिन आपको यहाँ से स्वेत अड़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ लास्ट में इस 2 साल के कार्यकाल के अंतर्गत मुझसे और मेरे विद्यालय परिवार से कोई यदि गलत बात निकलती हो तो उसे यहीं पर अपने परिवार समझते हुए, या हम उम्र में आपसे छोटे भी हैं, थोड़े छोटे भाई समझते हुए माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रण पत्र दे चुका हूँ, निमंत्रण दे चुका हूँ, लेकिन सभी मेरे साथी 31 तारीख के फंक्शन को लाल मंदिर में पहुँचने का श्रम करें। निश्चित रूप से 11 बजे प्रोग्राम चालू हो जाएगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी वहां पर पहुंचें।